कीर्ति चौरसिया सागर से आए। कान में बहुत साए साए की आवाज आती थी, उसके साथ चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा, चक्कर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आवाज कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा हो जाती है, जब आवाज बढ़ जाती है सुनाई देना एकदम बंद हो जाता है। 4-5 साल हो गए, 5 से 7 डॉक्टर को दिखा दिया, उन्होंने यही बोला था कि आपके कान की नस खराब हो चुकी है, मेडिसिन दे देते, कुछ दिन आराम लगता है, फिर जब मेडिसिन बंद हो जाती है या मेडिसिन लेने के बाद भी फिर वही प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती। मेरी एक फ्रेंड है म्यांमार में, उसने यूट्यूब पे देखा होगा आपका वीडियो, हाँ, तो फिर उसने मुझे वीडियो भेजा, मैंने अपने प्रॉब्लम उसको बताई थी, तो फिर उसने मुझे वीडियो भेजा, मैंने आपके और 2-4 वीडियो देखे, फिर भाई साहब को बताया, फिर यहाँ आया, पीछे से भी सुनाया, अभी सुनाई आया। मैं डॉक्टर मुकेश चौरसिया, हाँ, इम्प्रूवमेंट बिल्कुल आना चाहिए इसमें। एक्चुअल क्या है कि करंट टाइम में इसी तरह का जो है कई इंस्टीट्यूशन चलते हैं जिसमें लोग बहुत जल्दी बिलीव नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ तक मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, और आई थिंक जैसा जानकारी होगी लास्ट 40 ईयर से रन कर रहा है। यदि किसी प्रकार का कोई विसंगति होती तो इंस्टीट्यूट कभी का बंद हो गया होता। सही। और मैं मतलब कि अभी जो सिस्टर के साथ जो उन्होंने ऑपरेट किया विदाउट एनी ऑपरेशन जो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, इट विल बी मोर इफेक्टिव बट विद इन फ्यू डेज आर विद इन फ्यू मंथ्स। सो मैं आम नागरिकों को यही संदेश देना चाहता हूँ इस माध्यम से कि इनकेस मान लीजिए कि आपको यदि इसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस संस्थान में बिना किसी शंका के विश्वास करते हुए आ सकते हैं और यहाँ अपनी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। जो बहरेपन की समस्या है हमारे बॉडी का जो हर पार्ट है वो मूल्यवान है, और इस तरह से यदि सुनने की भी समस्या है तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है उससे, और यदि वो इम्प्रूव कर रहे हैं हम यहाँ से तो ये बहुत माने ग्रेट टास्क है। और मैं डॉक्टर साहब को भी साधुवाद देना चाहूँगा और पूरी टीम को कि आपने ये बहुत अच्छा एक बिना ऑपरेशन के बिना किसी मशीन के ये सुविधा बना रखी है, ये जनहित के लिए है। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।